हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। थोड़े ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन फरवरी 2022 बताए थे। उस वीडियो में मैंने बोला था कि OnePlus की तरफ से आपको दो नए स्मार्टफोन इस महीने में देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला था OnePlus Nord CE2 एंड दूसरा स्मार्टफोन था OnePlus Nord 2T। लेकिन अपनी उस बात को मैं करेक्ट करना चाहूंगा भाई कि मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आपको OnePlus की तरफ से दो नहीं तीन स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। वो वाले दो स्मार्टफोन्स तो लॉन्च हो ही सकते हैं, उसी के साथ में एक और नया 5G स्मार्टफोन जिसका प्राइस आपको 20,000 के अंदर मिलने वाला है, वो भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एंड फोन का नाम इतना बड़ा रखा गया है जितना मैं विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिख के आया करता था अपने स्कूल टाइम में। फोन का नाम है OnePlus Nord CE2 Lite 5G। जी हाँ, OnePlus Nord CE2 Lite 5G, इतना बड़ा फोन का नाम रखा गया है। एंड इस फोन से जुड़े मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। 20,000 के अंदर अगर OnePlus का फोन आता है तो वो ऐसा ही होने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इसी फोन से जुड़े पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है फोन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बातचीत को और सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं भाई, फोन को लेकर के कोई भी इमेजेस निकल करके नहीं आई है, कोई भी रेंडर्स निकल करके नहीं आए हैं। तो जितनी भी इमेजेस आज की वीडियो में आपको दिखेंगी, वैसे तो बहुत कम दिखने वाली है, मेरा सड़ेला थोड़ा ही आपको ज्यादा देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बाकी जितनी इमेजेस आपको देखने के लिए मिल रही है ये भाई एक्चुअल इमेजेस नहीं होने वाली है। ये बस इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैं इमेजेस को यूज कर रहा हूं, बाकी फोन कैसा होने वाला है ये चीज भाई अभी तक कुछ भी पता नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर लें तो प्लास्टिक बिल्ड यहां पर आपको मिलेगा, प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। बिल्ड क्वालिटी डिसेंट रहने वाली है। डिजाइन की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कोई भी इमेजेस अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिर भी डिजाइन लैंग्वेज की अगर बात करें तो बैक पैनल में आपको टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप मिलेगा जहां पर 3 कैमरा की हाउसिंग रहेगी, LED फ्लैश रहेगा। उसी के अलावा OnePlus का लोगो पीछे की तरफ मिल जाएगा फोन में, नीचे की तरफ OnePlus की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। फ्रंट में अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको टॉप लेफ्ट में पंचोल देखने के लिए मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स रहेंगे, पतली सी चिन आपको देखने के लिए मिलेगी। कलर्स की बात करें तो दो तीन अलग अलग कलर्स जो OnePlus हमेशा हमको देता है उन्हीं में आपको फोन देखने के लिए मिल सकता है, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर आपको मिल सकता है। सो दिखने में फोन डिसेंट रहेगा, OnePlus के फोन जो है वो डिसेंट लुकिंग होते हैं एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिलने वाली है। अब डिस्प्ले की अगर बात करें तो OnePlus जनरली हमको 6.43 इंचेस का डिस्प्ले देता है बजट सेगमेंट के फोन में, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, 6.59 इंचेस का डिस्प्ले रहेगा, फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन रहेगा एंड फ्लूइड एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलेगा। अब फ्लूइड एमोलेड पैनल को लेकर के मेरे को थोड़ा सा डाउट है, लेकिन भाई जो लीक हुए हैं स्पेसिफिकेशन वहां पर तो फ्लूइड एमोलेड ही लिखा हुआ है। फ्लूइड एमोलेड मतलब हायर रिफ्रेश रेट भी यहां पर आपको मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिल सकता है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल सकता है। तो रिफ्रेश रेट तो भाई OnePlus यही देता है, Nord CE में भी यही था एंड Nord में भी यही था, Nord 2 में भी यही है एंड CE2 में भी यही होने वाला है। तो इस फोन में भी आपको 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। बाकी अगर देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगी, कंटेंट वॉचिंग के लिए सही रहेगा, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, 399 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिल सकता है, HDR10 का सर्टिफिकेशन भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है एंड 600 nits के आसपास आपको ब्राइटनेस मिल सकती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया रहने वाली है, गेमिंग के लिए हो चाहे कंटेंट वॉचिंग के लिए हो, डिस्प्ले पैनल में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए इस फोन में लगाया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट। अब 695 जो चिपसेट है ऑलरेडी हमको इंडिया में मिल चुका है G71 5G के अंदर, इसके बाद में Realme 9 Pro के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके बाद में Redmi Note 11 सीरीज के किसी स्मार्टफोन में भी देखने के लिए मिलने वाला है एंड इस फोन में भी आपको ये वाला चिपसेट मिलने वाला है। तो काफी पॉपुलर चिपसेट है। चिपसेट के बारे में अगर बात करें तो 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, हीटिंग का इशू आपको कम मिलेगा, 2.2 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, क्रायो 660 वाले कोर्स मिलते हैं, डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको मक्खन मिल जाएगी, बैटरी स्मूथ रहेगी मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके बाद में गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 619 GPU आपको मिलेगा जो कि डिसेंट गेमिंग आपको करा देगा, LPDDR4X रैम रहेगी, UFS 2.2 वाले स्टोरेज आपको मिल सकता है। सो परफॉर्मेंस का सेगमेंट टिक्ड है भाई, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है,
परफॉर्मेंस आपको प्राइस पॉइंट को देखते हुए बढ़िया मिल जाएगी। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप यहां पर आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का। भाई मैं हंस क्यों रहा हूं, अब हंसने की तो बात है भाई, मतलब वन प्लस जैसा ब्रांड यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल्स के कैमरा के साथ में 2-2 मेगापिक्सल्स के दो छोटू देने वाला है। जी हाँ, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा, एंड दैट इज शिट। भाई ये 2-2 मेगापिक्सल्स के कैमरास क्यों देते हैं ब्रांड, भाई एक ही कैमरा दे देते हमको 64 मेगापिक्सल्स का, हमारा काम हो जाता। वैसे भी ये 2-2 मेगापिक्सल्स के कुछ काम नहीं आने वाले हैं। तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है 64+2+2 मेगापिक्सल्स का, एंड ऊपर से यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो 30 FPS का आपको फ्रेम रेट यहाँ पर आपको मिलेगा, 60 FPS भी शायद आपको देखने के लिए ना मिले। तो वीडियो कैमरा जो है उतना ज्यादा कैपेबल यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा रहेगा, डिसेंट सेल्फी कैमरा, डिसेंट क्या, अच्छा ही है भाई, अच्छा कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, मेरे हिसाब से ठीक ठाक सा कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है, उसमें आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है, तो ज्यादा मजा भी नहीं आने वाला है भाई, डिसेंट कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बैटरी रहेगी, तो बैटरी का साइज तो सही है भाई, बैटरी के साइज में आपको शिकायत नहीं आएगी। एक दिन का बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, उसी के साथ में एमोलेड का पैनल है, 90Hz का पैनल है। तो भाई जो बैटरी बैकअप है आपको गई से गई हालत में नॉर्मल यूसेज में एक दिन का बैकअप तो दे ही जाएगा, उसमें आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड चार्ज करने के लिए 30W की डार्ट चार्जिंग, डार्ट रहती है वार्प रहती है, 30W की वॉप चार्जिंग का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, एंड 30W का वॉप चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बैटरी मॉड्यूल सेटल्ड है भाई, उसमें आपको शिकायत नहीं आने वाली है, बढ़िया बैटरी मॉड्यूल रहेगा। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात 3.5mm जैक डेफिनेटली आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद में सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, अगर एमोलेड पैनल आया तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, अगर IPS आया तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, फलाना सेंसर, ठिकाना सेंसर, सारे सेंसर आपको मिलेंगे, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको फोन मिल सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा ऑक्सीजन OS 12 जिसका ओपोफिकेशन कर दिया गया है, लेकिन व्हील अभी भी वही रहता है भाई, लुक एंड फील में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नोटिस नहीं होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहने वाला है, उसमें आपको शिकायत नहीं आने वाली है। इसके बाद में अगर बात करें स्पीकर्स की, तो यहां पर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एंड नो कार्ड स्लॉट। जी हां, इस फोन के अंदर आपको कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलेगा, 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे, एंड दैट्स इट, मेमोरी कार्ड नहीं घुसेड़ पाएंगे अपने फोन के अंदर। स्पेसिफिकेशंस अगर देखे जाए तो स्पेसिफिकेशंस डिसेंट हैं, कहीं कहीं कुछ बड़ी बड़ी कमियां यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो डिसेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये वाला स्मार्टफोन आने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो एमोलेड को लेकर के मेरे को बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि रियलमी ने भी शायद ये चीज कंफर्म कर दी है कि रियलमी 9 प्रो में आपको एमोलेड नहीं मिलने वाला भाई, IPS LCD पैनल मिलेगा। तो हो सकता है इस फोन के अंदर भी आपको IPS LCD पैनल देखने के लिए मिले, लेकिन देखते हैं भाई, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से सुनने में आ रहा था कि OnePlus Nord सीरीज का एक स्मार्टफोन इंडिया में 20,000 के अंदर आएगा, एंड नाउ दिस स्मार्टफोन हैज कम अप। तो मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 6+128 और 8+128 दो वेरिएंट में फोन लॉन्च हो सकता है, एंड प्राइस पॉइंट जैसा मैंने आपको बोला 20,000 के अंदर रहने वाला है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है, कैसा है स्मार्टफोन, किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए, एंड क्या आप खरीदना पसंद करेंगे, करेंगे तो क्यों खरीदना पसंद करेंगे, क्या ऐसी चीज आपको इस फोन के अंदर लगी जिसके कारण आप इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।